काम असरदार, हम दिखाएं वही जिसमें हो सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दे की बात, जिस खबर को सही और गलत के तराजू में तौल कर पहुंच सके आप एक सटीक और दमदार निष्कर्ष पर। ऐसी खबरों को आप देखते हैं इंडिया टाइम्स पर। नमस्कार, मैं हूं बबली और आप देख रहे हैं दमदार 10। आपको देश दुनिया और आपके हित की खबरें बताऊं, उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप खबरों को बिना किसी मिर्च मसाले के देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक जरूर कर दें ताकि दमदार 10 की नोटिफिकेशन सीधा आपके फोन पर आए। मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकालने के लिए मनीष का परिवार और उनके समर्थक पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। मनीष के भाई करण कश्यप लगातार कोर्ट के चक्कर तो काट ही रहे हैं, इसके अलावा हर मुमकिन रास्ते को भी अपना रहे हैं और इसी कोशिश के चलते अब मनीष कश्यप के भाई और उनके समर्थक मिलकर एक रैली का आयोजन करने वाले हैं, जिस रैली में मनीष कश्यप की मां भी शामिल होंगी जो अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाएंगे। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला ले लिया है, जिसके चलते सभी लोगों को एक बार फिर से झटका लगा है। आरबीआई ने हाल ही में इस बात का ऐलान किया है कि अब से 2000 रुपए के नोट यूज नहीं किए जाएंगे और आप इन सब नोटों को 23 मई से 30 सितंबर तक बैंक से बदलवा सकते हैं। आरबीआई के इस ऐलान के बाद सभी लोग हैरान और परेशान हैं, लेकिन बिहार की जनता खुश है। बिहार के लोगों का कहना है कि अब इससे ब्लैक मनी बाहर आएगी और जो लोग काला धंधा करते थे उन लोगों का पता चल पाएगा। नवादा के सदर हॉस्पिटल में शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब कई घंटों तक हॉस्पिटल से बिजली गुल रही, जिसके चलते मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। सुबह के वक्त तो लोगों को इतनी दिक्कतें नहीं हुई, लेकिन शाम होते ही इमरजेंसी, सर्जिकल वार्ड, महिला वार्ड में एकदम अंधेरा पसर गया, जिसके चलते मरीजों को वार्ड में मोबाइल की रोशनी जलाकर रहना पड़ा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी मरीजों का इलाज करते तक नजर आए। बिहार के सीतामढ़ी में अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। अपने प्रेमी से मिलने की चाहत में एक प्रेमिका तमिलनाडु से सीधा सीतामढ़ी पहुंच गई। दरअसल लड़की की मंशा अपने प्रेमी से विवाह करने की थी, मगर प्रेमी ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लड़की ने थाने पहुंचकर शिकायत कर दी, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने लड़के को पकड़ा और थाने में ही विधि विधान से दोनों की शादी करा दी। आपको बता दें ये पूरा मामला मड़िया गाँव का। मनीष के भाई करण और उनके समर्थकों ने बताया कि आने वाली 27 मई से मनीष के समर्थन में रैली निकाली जाएगी। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि हम जनता की अदालत में जाएंगे और मोतिहारी से मनीष के लिए समर्थक यात्रा शुरू करेंगे। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की है। बैंक के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि दुनिया की बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था बड़े मूल्य के नोटों का इस्तेमाल नहीं करती है, ताकि हवाला और आतंक विरोधी कार्य में इसका इस्तेमाल रोका जा सके। आनंद ने कहा कि हमें इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। करण कश्यप ने कहा कि इस वक्त हम सच के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, लेकिन हम लोगों को जागरूक कराएंगे कि सच्चाई और बुराई क्या है। साथ ही करण ने ये भी कहा कि एक पत्रकार जो बिहार को अपनी माँ और पिता मानता रहा, उस पर अब NSA कैसे लगाया गया। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हाल ही में मोतिहारी पहुंचे। ये जिले के कचहरी चौक स्थित गांधी ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया और इस दौरान नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने शराबबंदी कानून पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार के लोगों को नीतीश कुमार ने शराबी बना दिया है। आज के वक्त बिहार में लाखों शराब की दुकानें होम डिलीवरी के तौर पर चल रही है, जिसे सिर्फ JDU के लोग या तो पीते हैं या बेचते हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जी गजनी हो गए हैं, वो अभी से खुद को ही प्रधानमंत्री मानने लगे हैं। डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने हाल ही में CBI और ED को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। इन्होंने कहा कि ED और CBI लगातार रेड मार रही है। ED और CBI को ये भी नहीं पता है कि अब तक उन्होंने कितनी बार हम लोगों के घर पर छापेमारी की है और पूछताछ की है। साथ ही तेजस्वी ने ये भी कहा कि ये लोग कर्नाटक चुनाव में हार जाने के बाद डर गए हैं और इसी वजह से कार्यवाही कर रहे हैं।
बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का पटना में कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। हालांकि उनके जाने के बाद भी विवादों का सिलसिला जारी है। एक तरफ बिहार के सत्ताधारी दल जेडीयू और राजद के शीर्ष नेता बागेश्वर बाबा के खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के एक आईपीएस अधिकारी ने बाबा बागेश्वर को जेड प्लस सुरक्षा देने की मांग कर नई बहस छेड़ दी। धीरेन्द्र शास्त्री के लिए सुरक्षा की मांग के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अरविंद पांडेय राज्य सरकार की आंखों की किरकिरी बन सकते हैं। ये थी बिहार की आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडी टाइम्स। नमस्कार।